सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस अपाची आरटीआर 164V के बारे में। और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो ना, ये भाई नॉर्मल वेरिएंट नहीं है, ये एक स्पेशल वेरिएंट है, यानी कि लिमिटेड एडिशन है। और भाई जो स्पोर्टनेस आपको लगती है 164V में, तो इस बाइक को देखने के बाद आपको एक अल्टीमेट स्पोर्ट्स बाइक जैसे कि लगने वाली है। और इसका कलर ये है मैट कलर में, और सबसे ज़्यादा आई मीन इम्प्रेसिव इसके कलर की वजह से लग रही है गाड़ी। और आज बात करेंगे इस बाइक के बारे में, क्या क्या आपको फीचर्स एक्स्ट्रा को मिलेगी इस बाइक में, यानी कि जैसे कि एक लिमिटेड एडिशन है तो कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी। तो भाई ये है टीवीएस की अपाची आरटीआर 164V लिमिटेड एडिशन। तो फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो भाई आपको मिलने वाली स्प्लिट टाइप की हेडलाइट यहाँ पर आपको मिलती है एलईडी के साथ। देखिए भाई एलईडी की डीआरएल आपको यहाँ पर मिलने वाली। देन इसका जो हेडलाइट है वो आपको मिलेगी पूरी एलईडी में। और इंडिकेटर आपको मिल जाती है यहाँ पर हैलोजन के साथ, मैट ब्लैक कलर जैसे देख पा रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। टीवीएस रेसिंग का यहाँ पे स्टिकरिंग। देन आते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, तो ये रही भाई साइड प्रोफाइल। ग्राफिक्स वगैरह जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे मस्त वाली ग्राफिक्स दी जा रही है। इंजन कावलिंग वो मिल जा रही है, हाइपर यहाँ पे लिखा गया है। देन बड़ा से यहाँ पे एग्जॉस्ट एंड अपाची आरटीआर 164V इसके रियर काउल में। एंड अगर टैंक की बात करूँ मैं, देखिए पूरी मैट कलर में रखा गया इसका टैंक का पार्ट, एंड सिल्वर कलर में रखा गया इसका जो हॉर्स का साइन है ना, ये देखिए ये जैसे देख पा रहे हैं। एंड 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और सबसे मस्त वाली जैसे मैंने बता दिया ग्राफिक्स एंड इसका जो मैट कलर है ना, देखिए भाई चेरी रेड कलर की यहाँ पे आपको बीच में एक ट्रीटमेंट आपको दी जाए, जो कि काफ़ी हद तक एक आई कैचिंग बनाती है इस बाइक को। बाकी अगर सीट देखेंगे, देखिए भाई सीट में भी आपको यहाँ पर रेड कलर की ट्रीटमेंट आपको मिल जा रही है, जो कि स्पोर्ट्स को पूरा चांद चांद जो है लगा रहा है। एंड 800mm का इसका जो सीट हाइट है भाई, देखिए यहाँ पर सिंगल सीट आपको ऑफर करती है कंपनी। वेन स्टेप का कोई डिज़ाइन यहाँ पे दी जा रही है, अपाच यहाँ पे लिखा गया है। रियर कावल में आपको यहाँ पे मिल जाती है आरटीआर 164V लिखा। देन ये रहा इसका ग्रैब रेल, एक बैट टाइप की आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि चमकादार बोलते हैं ना, चमकादार टाइप की यहाँ पे आपको ग्रैब रेल आपको ऑफर करती है डार्क ग्रे कलर में। देन ये रहा इसका एलईडी टेल लाइट, ऑन कर देते हैं भाई एक बार। तो ये रही इसका एलईडी टेल लाइट, इंडिकेटर आपको मिलता है हैलोजन के साथ। ओके, और क्लस्टर, तो जो मेन फीचर्स एड ऑन किया गया है वो यहाँ पे है, यानी कि इसके क्लस्टर के एरिया में फुल्ली डिजिटल आपको मिलता है क्लस्टर, जैसे आपको पता ही होगा। लेकिन जो फीचर्स भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है ब्लूटूथ, यानी कि स्मार्ट कनेक्ट का फीचर, नेविगेशन, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्लूटूथ का जो ब्लिंक कर रहा है ना, दैन स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, किसी इंडिकेटर, एवरेज वगैरह, टाइम यहाँ पे शो करेगी, टिप आरपीएम लिमिट यहाँ पे हो गया, दैन सेटिंग के बटन यहाँ पे आपको दो मिल रही है। तो एक्स्ट्रा आपको मिलने वाली इससे लिमिटेड एडिशन में वो है ब्लूटूथ का फीचर, ठीक है ना। तो ब्लूटूथ आपको मिलने वाली है, नेविगेशन आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ की जो एक बटन आपको यहाँ पर दी जा रही है, बाकी स्विचेज आपको पूरे इस टाइम ही मिलेगी, जैसे कि आपको मिलता है यहाँ पर मोड के बटन आपको मिल जा रही है। तीन मोड्स आपको दी जा रही है, स्पोर्ट्स रेन, स्पोर्ट रेन एंड अर्बन मोड। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पावर मिलेगी, अगर आप स्पोर्ट मोड गाड़ी चलाते हो तो आपको ज़्यादा जो है पावर आपको मिलेगी इस बाइक में। तो पावर की बात चले तो मैं आपको इंजन के बारे में बता दूँ कि इस बाइक में आपको 159.7cc की SI 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन आपको मिल जा रही है, जो कि पावर निकालती है, मैक्सिमम जो पावर निकालती है वो है 15.64 PS की एंड 14.73 Nm का इसका टॉर्क है, जो मैक्सिमम जो है पावर एंड टॉर्क है, ठीक है ना। बाकी रेन मोड में चलाएंगे और अर्बन मोड में चलाएंगे तो थोड़ी सी आपको पावर कम मिलेगी। तो ये हो गया इसका क्लस्टर। देन फ्रंट में आपको 90-90-17 इंच की ऑलॉय, जैसे कि रेड कलर आपको दिख रहा होगा, टेलीस्कोपी फॉर के सस्पेंशन, सुपर मोटो ABS यहाँ पे लिखा गया है। तो ये हो गया इसका फ्रंट आया। इंजन कावल आपको यहाँ पे दी जा रही है। ओके, देन ये रहा इसका रियर टायर, यानी कि 130-70-70 इंच का आपको मिलता है इसका रियर टायर का सेक्शन। एंड ये रहा इसका टायर हगा, रियर डिस्क, ओके, एंड मोनोशॉक के सस्पेंशन वो रही। देन ये इसका साड़ी गार्ड एंड लेडीज फुट रेस्ट, अल्यूमिनियम की पिलियन फुट रेस्ट, राइडर फुट आपको मिलेगी पैडिंग के साथ। एंड 5 गियर आपको दी जा रही है इस बाइक में, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आपको मिलता है, ओके, जो कि सेफ्टी के हिसाब से अभी सभी बाइकों एंड स्कूटर आपको मिलने वाली है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। देन इसका जो लीवर है ना, ये आपको मिलेगी 3-स्टेप एडजस्टेबल, ठीक है ना। ये जो लीवर आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी, देखिए तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी सुनते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। तो
तो भाई हो चुके हैं और सारी बातें, एंड अभी बात करें इसके प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक लिमिटेड एडिशन है तो यहाँ पे आपको कलर में आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, एंड फीचर्स थोड़ा बहुत इसमें ऐड ऑन किया गया, जैसे मैं आपको बता दिया भाई क्या क्या फीचर्स इसमें ऐड ऑन किया गया है। एंड कलर के वजह से ये गाड़ी और भी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है भाई। ऑल ओवर देखिए रेड कलर में, मैट ब्लैक कलर में, तो काफ़ी मस्त लगती है कि नहीं, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए भाई आपको ये लिमिटेड एडिशन कैसा लगा 164V का। तो इसका जो ऑनरोड जो प्राइस है इस बाइक का, वो आपको आ जाएगी राउरकेला में 1,54,000 की। तो 1,54,000 में आपको यहाँ पे अपाची आर्टर 164B लिमिटेड एडिशन आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको ये बाइक लेनी हो तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यूनिक टीवीएस शोरूम राउरकेला से ये गाड़ी बिलोंग करती है। तो भाई ये था आज का वीडियो इस लिमिटेड एडिशन के बारे में, यानी कि 164V के बारे में। अगर आपको वीडियो चलेगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।